हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड एडुकेशनल टिप्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस व्यक्ति के पेट के मोटापा बढ़ चुका है उसे कैसे घटाएं, उसे घटाने के क्या क्या टिप्स हैं, उस टिप्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो दोस्तों हेल्थ एंड एडुकेशनल टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि उन्हें भी ये टिप्स काम आ सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए, आज का नया टिप्स है, आज टिप्स पर चर्चा करने वाले हैं। पेट घटाने के लिए सबसे उपयोगमंद चीज़ है हरी चाय, हरी टी। हरी टी आप जानते हो, हरी चाय की पत्तियों से बनाई गई चाय होती है। वो चाय पेट घटाने में बहुत कारगर साबित होती है। तो चलिए, ग्रीन टी नियमित रूप से, ग्रीन टी को आप दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद होता है, यानी कि ग्रीन टी को पीना शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दूध वाली चाय की तुलना में ग्रीन टी का चाय सेवन करने वाला ज़्यादा बेहतर है, यानी कि दूध वाली चाय से बेहतर कौन सी चाय मानी जाती है? ग्रीन टी की चाय मोटापा कम करने में मददगार तो है ही, ये दोस्तों मोटापा को कम करने में मददगार तो है ही, पर तनाव और थकान को दूर करने के लिए असरदार है। तनाव और जो शरीर में थकान हो जाती है उसे भी दूर करती है ग्रीन टी। ग्रीन टी की आपकी चर्बी नहीं बढ़ती लेकिन शरीर को ऊर्जा तो मिलती है ना दोस्तों। ग्रीन टी से आपकी चर्बी तो नहीं बढ़ती लेकिन शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है, जिसके साथ हमारी जो एकाग्रता भी बढ़ती रहती है। यानी कि ग्रीन टी शरीर के लिए फायदेमंद है और पेट को बढ़ने नहीं देती है, और शरीर को जैसे ऊर्जा प्राप्त करती है तो ऊर्जा से क्या होता है, पेट का मोटापा भी कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि ग्रीन टी का चाय का सेवन करने से मोटापा कम हो सकता है। वीडियो बहुत अच्छा लगा है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर फेसबुक इंस्टाग्राम पर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।